सास बहू के बीच माइथोलॉजिकल शोज ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आजकल हर चैनल पर कम से कम एक पौराणिक प्रोग्राम जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे शोज की बात की जाए तो आज टीवी पर ऐसे शोज में बड़े किरदार निभाने के बाद भी कुछ एक्टर्स हैं जिनका करियर इन किरदारों में कहीं दब सा गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वो स्टार्स। रिया तीपसी स्टार प्लस के शो महाभारत में गांधारी के रूप में नजर आई रिया की परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया था। बेशक शो में उनकी आंखों पर पट्टी थी लेकिन उनके हाव भाव ने ऑडियंस को बांधे रखा। आपको बता दें कि इस शो के बाद से रिया को सिर्फ पौराणिक और हिस्टोरिक शोज के ही ऑफर मिले। बता दें कि इस शो के बाद धरती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप और रजिया सुल्तान में रिया नजर आई हैं। रजत टोकस रजत लंबे टाइम से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उनका हिस्टोरिक शो पृथ्वीराज चौहान जबरदस्त हिट हुआ था। इसके बाद रजत इसी तरह के शोज में नजर आते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद रजत धर्मवीर जोदाग पर चंद्र नंदिनी में दिखे और अब वो नागिन में नागराज के रूप में देखे गए हैं। पूजा शर्मा टाप्लस के महाभारत में द्रौपदी के किरदार से मशहूर हुई पूजा के लिए भी ये शो कुछ खास रास नहीं आया। हालांकि इस शो में उनकी परफॉर्मेंस दमदार थी लेकिन इस पौराणिक शो ने उनके करियर के बाकी रास्ते जैसे बंद से कर दिए। फिलहाल पूजा धार्मिक शो महाकाली में एक महाकाली का किरदार निभा रही हैं। सौरभ राज जैन सौरभ का नाम लो तो स्टार प्लस की महाभारत के कृष्णा याद आ ही जाते हैं। इस शो की सफलता के बाद सौरभ को उम्मीद ही नहीं होगी कि वो अपनी भगवान वाली उस इमेज से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। आपको बता दें कि अब सौरभ को सिर्फ धार्मिक और पौराणिक शोज के ही ऑफर्स मिलते हैं। मोहित रैना देवों के देव महादेव में शिव बने मोहित रैना के करियर का ये सबसे बेस्ट रोल था। न केवल ये शो हिट था बल्कि उनका किरदार भी सुपर हिट था। लेकिन मोहित के लिए इस शो के बाद इस इमेज से बाहर निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल था। इस शो के बाद उन्हें भी धार्मिक पौराणिक शोज के ही ऑफर मिले। इस शो के बाद आपको बता दें कि अशोक सम्राट में वो अशोक की भूमिका में नजर आ चुके हैं।